अस्वच्छता बन गई। द्वितीय आज सवेरे बताया था भक्ति लता राम को सोने पर उसमें दो पत्ते लगते हैं, दो पत्तों में एक विषज्ञ और एक शुभदा, सब प्रकार के क्लेश दूर हो जाते हैं। प्रारब्ध अप्रारब्ध पूर्व और अविद्या सभी प्रारब्ध कर्म का खंडन नहीं होता, बहुत कठिन है। ज्ञानियों को मुक्ति तक स्थिति में भी उनको प्रारब्ध कर्म का भोग करना पड़ता। अपनी चुनाव उस प्रणाली के चलते प्रारब्ध कर्म होंगे, प्रारब्ध कर्म भी दूर हो जाए। और शुभदा सब प्रकार के शुभ गुण जो भक्ति के है वो साधक में उत्पन्न होते हैं। ग्रंथदास लक्ष्मणा चक्रवर्ती ठाकुर विषय को दृष्टान्त के द्वारा सहज रूप में बोधगम्य कराने के लिए बोधगम्य प्रवाद देना इन्हीं वैधि भक्ति और रागा लुगा का प्रयोग दोनों को लेशाग्नि और शुद्धता का यहाँ पर वर्णन किया गया है, ऐसा समझना चाहिए। कि साधन भक्ति के दो प्रवर्तक हैं, एक लोग और दूसरा शास्त्रों का शास्त्र वाक्य। भक्ति की स्निग्धता सुंदरता कुमलता तो प्रकाशता इत्यादि गुण को देकर छोटा ही साधक का मन बालाय। तात्पर्य रागात्मिक सुबह श्रीदान पार्षद के नंद बाबा ने सुना और गोपियों का माधुर्य इन भावों से जो सेवा करते हैं उनकी लीला कथाओं को सुन करके जबकि हृदय में लोग हो मुझे भी ऐसी सेवा प्राप्त हो जाए तो उसको राजा अनुगा भक्ति। इसके संबंध में कहा गया है सिद्धतापूर्ण भाग पर राग नामक राजा का जहां पर लोग होगा जिस भक्ति में और वो चलेगी उस भाग पर राग नामक राजा। राजा ने अनुराग प्रेम से भी और आगे इस रागानुराग भक्ति की हर अवस्था में राग नामक राजा का अधिकार होता है। इसी प्रेम के कारण साधक भगवान से अपने संबंध जोड़ता है। सुबह सखा मधुमंगल जैसा सख्त भाव, माँ जसोदा नंद बाबा जैसा वात्सल्य भाव, कोई गोपियों जैसा मधुर भाव, कोई अपना प्रिय आत्मा पुत्र सखा गुरु सुहित इष्ट प्रेमा। इस प्रकार रागानुगा भक्ति के साधन में शुद्ध संबंध की स्निग्धता इसको यह संतो जब भक्ति लता के बीच से अनुरूप होकर के दो लगते हैं पत्ते, जब लगते हैं तो पत्ते जब कली के रूप में रहती है तो पहले वाला भाग दिखाई पड़ता है, वो जरा उखड़ा होता है कर्कश होता है और जब वो पत्ता फूल जाता है तो भीतर में नींद दिखाई पड़ता है। तात्पर्य क्या है? ऊपर वाला भाग पहली भक्ति का और भीतर जब पत्ता खुल जाता है तो स्निग्ध अर्थात रागानुगा भक्ति का ये उदाहरण है। और शास्त्रों के शासन के भय से
साधक की साधना में प्रवृत्ति होती है, ये वैदिक है। चारों कर्णाश्रमी यदि कृष्ण न्याय भजे परम करके रौदवय कौन भजे, कोई अपना कर्णाश्रम का घर पूरा करता है किंतु कृष्ण का भजन नहीं करता और अपना सब दायित्व देश के प्रति, समाज के प्रति, माता पिता के प्रति सब के करता है किंतु कृष्ण का भजन नहीं करेगा तो रौदव नरक में ऐसा सुन करके जो भक्ति करते हैं वो वही भक्त। वही भक्तों भक्ति के साधकों में भक्ति की प्रवृत्ति भगवान के प्रीति के लिए नहीं होती है बल्कि अपने दुखों की निवृत्ति के लिए होती है और वे भक्तों भक्ति के अंगों का अनुष्ठान करते हैं जिससे उसे रूखा और कठोर होता है। यहाँ भगवान से रागमूलक शुद्ध संबंध नहीं है, पत्ते के रूखे भाग की तरफ वही भक्ति भी नीचे की ओर रखती है, जब पत्ता खुल जाता है तो वो नीचे हो जाता है और ऊपर में स्थिर। इसलिए अर्थात रागमूलक भक्ति की अपेक्षा भक्ति की भिन्नता है, अवकाश है। इसमें शास्त्र विधि की प्रधानता होती है, रागानुगा भक्ति में नहीं। वो गलत कर सकता है, जो चाहो जो अनुकूल है उसको छोड़ देगा, चौसठ प्रकार की जो भक्ति है उसमें सभी नहीं करेगा रागानुगा भक्ति, भक्ति को सब करना है किंतु रागानुगा वाला जो है वो गलत करके किसी को छोड़ करके वो बताएंगे कि कौन कौन से छोड़ सकते हैं और कौन कौन से ग्रहण कर सकते हैं। लता की पत्तियों में सभी भागों में समान गुण रहता है, पत्ता के समान ही गुण, चाहे ऊपर हो और नीचे वाला हो। चिकनी ओर का कुछ गुण और रूखी तरफ का कुछ गौर और हो जाए, दोनों ही क्लेश आदमी और सुविधा दोनों। रूप गोस्वामी ने लिखा है जत्र रागान वाप्ता त्वात् प्रवृत्ति उपजाये थे शासने नहीं वसात सा वैदिक भक्ति के रूप। भजन के विषय में कहीं लोग और कहीं शास्त्र शासन प्रवर्तक हुआ करता है, इसलिए भक्ति का लोग प्रवर्तक न होकर के शास्त्र शासन है वहां पर चिरंजीव गोस्वामी ने टीका में लिखा है रागो अर्थ अनुराग तत्र रुचि भी। यहाँ राग शब्द का तात्पर्य रुचि या अनुराग से है, यहाँ जिस भक्ति का प्रवर्तक नहीं है वो वैदिक भक्ति। चक्रवर्ती ठाकुर ने भी ऐसा ही लिखा है कि मूर्ति के दर्शन से या भागवत के दसवें स्कंध में वर्णित कृष्ण की मधुर लीलाओं के श्रवण से भजन में लोग को यहाँ पर राग आ गया है। ऐसा राग भक्ति का प्रवर्तक न होगा शास्त्र शासन जिसका प्रवर्तक है उसे बड़ी मत सुखदेव गोस्वामी कैसे कहा। तस्मा भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हो भगवान हरि हरि तो तप्यतव्य सुवर्तव्य इच्छता है। यदि जीव देह और दही विषयों में आसक्ति के कारण भयानक मृत्यु का ग्रास हो रहा है और अत्यंत भयानक नरक यंत्रणा का भोग करता है तो इसे मुक्ति लाभ करने के लिए परमानंद लाभ करने के लिए अखिल आत्मा सर्वेश्वर भगवान श्री हरि के नाम पर कीर्तन करना चाहिए, उनकी लीला कथाओं को सुनना चाहिए।